सीएम अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। गैस सिलेंडर खरीद सके तो हमने तय किया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम है, चिरंजीवी योजना 25 लाख की है स्वास्थ्य के लिए, कोई बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कई योजना ऐसी है जो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लंपी रोग हो गया, पशुपालकों में गाय मर गई, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा भी लंपी रोग से गाय मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरी सरकार ने बजट के अंदर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 40,000 रुपये प्रति गाय देने का, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो प्रधानमंत्री और सरकार, भारत सरकार, इनकी जिम्मेवारी है कि वो चाहे लंबी रोग हो तो पशुपालकों को मदद मिले। गैस सिलेंडर की बात है तो आज बताइए कि इतना महंगा कौन खरीद सकता है। अभी मैं पूछा, मैंने 32,000 इस गैस इस दुकान के अंदर, गैस एजेंसी के अंदर 32,000 कनेक्शन के पास में है, उनमें 1500 कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के, ले कितने रहे हैं सिर्फ 50 लोग दे रहे हैं, मुश्किल 50 लोग दे रहे हैं। मैंने भी पता किया, अब जब हमने घोषणा की तो 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना, धीरे धीरे और आगे आएंगे लोग। आज ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, मैं चाहूँगा राजस्थान भर के अंदर हमने जो आज शिविर शुरू किए महंगाई राहत के, उसके अंदर आके पंजीकरण करवाएं और 10 लाख का बीमा 25 लाख का करवाएं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर लें वो, और बाकी 10 स्कीम उसके अंदर हैं। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आएगा आधार कार्ड लेके, उसके बाद में जब वो जाएगा वहाँ पे बिजली का कनेक्शन के नंबर देगा, तो उसको और जो 10 स्कीमों से कितने स्कीमों पर एलिजिबल है, एग्जाम्पल के रूप में 10 स्कीम हैं, वो 6 में एलिजिबल है, उसको हो सकता है मालूम ही नहीं हो, वहाँ उसको मालूम पड़ जाएगा बोर्ड पे मेरे को 6 स्कीमों का लाभ मिल रहा है, तो 6 का उसको कार्ड गारंटी कार्ड मिल जाएगा। हम लोग 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं राजस्थान की जनता को, ये हमारी गारंटी सरकार की है। आप पंजीकरण करवाइए, आपको 10 स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एलिजिबल होगा। इतना बड़ा एहतरी फैसला राजस्थान एकमात्र सरकार है देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जिसने महंगाई राहत को लेकर के एक से एक बढ़ के हमने स्कीमें दी है। उसमें चाहे शहरी रोजगार योजना भी क्यों नहीं हो, वही बड़ी योजना है, 100 यूनिट बिजली फ्री की है, 1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आएगा 90% उपभोक्ताओं को। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने इन 10 योजनाओं में दिए हैं। मैं समझता हूँ आज जो रात के हम शुरू हैं उसमें आम जनता कोरोना के अंदर जो मदद करी थी आगे सब लोगों के आपस के अंदर, उसी ढंग से लोगों को बताएंगे स्कीमों के बारे में। भीड़ भाड़ पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने कैंप चलेंगे और 2 महीने के बाद में भी 2,000 कैंप परमानेंट चलेंगे। बस स्टैंड पे हैं या गैस की दुकान पर है या और जगह पर, 200 स्कीमों के कैंप जो है 2,000 परमानेंट रहेंगे जब तक कि सभी लोग अपना पंजीकरण नहीं कराते। इस प्रकार की बात केंद्र सरकार से आप लगातार अपील कर रहे हैं, राहत राजस्थान में खूब मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसको अपना नहीं रहा है। खासतौर पे जो बड़ी योजना है जो राजस्थान में शुरू हो गई, पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, चाहे ओपीएस की बात की जाए। देखिए लोकतंत्र में तो हम दबाव बना सकते हैं, तो भारत सरकार को सोचने की बात है। पब्लिक इंटरेस्ट पे हम बात कर रहे हैं, उनमें अगर सच्चाई है तो भारत सरकार को सुनना चाहिए हमें, चाहे मेरी बात नहीं है, कोई भी आम व्यक्ति बोलता है, कोई मान लो जनप्रतिनिधि बोलता है, तो सरकार चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, पब्लिक क्या सोचती है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, उसको हल करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने राहुल गांधी ने जो बाढ़ जोड़ो यात्रा की थी, जिस प्रकार से उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के साथ नॉन वायलेंस और साथ में गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही, 4 मुद्दे लिए थे, हमने उनको अपनाया है अपने बजट के अंदर, उसी रूप में हमें बजट पेश किया हमने, उसी रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं।
हम कामयाब भी हो रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ हम कामयाब हो रहे हैं। जनता समझ रही हमारी मंत्रा क्या है, हमारी कितनी करनी मंत्रा नहीं है, हमने जो कहा है अगर बाढ़ जोड़ जाते मैंने भाग लिया, जो मुद्दे थे उसको आधा बना के मैंने बजट पेश किया, युवाओं के लिए भी किसानों के लिए भी। और आप देख लीजिए 10 स्कीमें जो हैं आज से महंगाई राहत शिविर में, 10 स्कीमों के अंदर आप देख रहे हैं कि वही भाव आ रहा है जो कि राहुल गांधी की यात्रा में थे, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों का मैं आह्वान करूँगा सब मिलकर के हम अपने प्रदेश का जो औरा है वो अलग रखें, हम अपने तरीके से हम चाहेंगे कि 2030 के अंदर मैंने कहा है राजस्थान शिक्षा में स्वास्थ्य में सड़कों में पानी में बिजली में नंबर वन बने, सोशल सिक्योरिटी के अंदर। आज मैंने बुजुर्गों को पूछा, अभी बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलती है, 750 मिलती है, मैंने कहा आपको 1000 मिलेगी, उससे कितने खुश हो गए वो लोग। 1000 रुपये पेंशन हमने मिनिमम कर दी राजस्थान के अंदर, ये सोशल सिक्योरिटी है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री को कहा है कृपा करके आप एक एक्ट बनाओ पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये पूरे देश के अंदर एक ही पेंशन मिले, एक ही इमदाद मिले लोगों को जो नीडी है उनको। आज नहीं तो कल कानून बनाना पड़ेगा, जैसे मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने बनाया कानून जिसमें RTI RTE एजुकेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल जो बनाया है, नरेगा माँ नरेगा कितना लाभ मिला देश को, वो पार्लियामेंट कानून बना के लाभ मिल रहे हैं। उसी प्रकार 5वें कानून बनना चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी बनना चाहिए, राइट टू हेल्थ बनना चाहिए, 6ठा कानून बनना चाहिए, पूरे देश के अंदर बनना चाहिए। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों में हम 70 साल में क्या किया है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दुनिया भर में अगर सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइंस में टेक्नोलॉजी के अंदर, ये इसरो में जो 100-100 एक साथ में सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट हिंदुस्तान में इसरो से छोड़े जा रहे हैं। इसरो किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज देश कहाँ पहुँच गया है? इसलिए आज वक्त आ गया कि हम सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ पूरे देशवासियों को देने, मेरा मानना है। धन्यवाद। देखिए उनको मैं अपील करना चाहूँगा, सैनिक समाज के, कुशवा समाज के, मौर्य समाज के सब लोगों से, कि राहुल गांधी खुद बोलने लग गए वहाँ बेंगलोर के अंदर, कांग्रेस ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, अगला सेंसस जब हो तो जातिगत जनगणना भी शामिल किया जाए। उनको समझ जाना चाहिए कि ये कदम बहुत बड़ा कदम है जिसके लिए राहुल गांधी हमारे नेता ने ये आवाज़ उठाई है, आवाज़ को बुलंद किया है। खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं